हेलो, नमस्कार। संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल में आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अलंकार सीरीज में मैं आज तीसरा रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ सारे गामा पाधानिसा का। पहला 75 टेम्पो पर मैं रिकॉर्ड किया था और दूसरा 125 पर, और आज मैं 200 टेम्पो पर BPM पर रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। और ये मैं सीक्वेंस में इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो भी नए सीखने वाले हैं वो समझ सकें कि अलंकार को हमें स्टेप बाय स्टेप किस तरह से तैयार करना है। याद करना नहीं, तैयार करना है। क्योंकि मैं नॉर्मली देखा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नहीं जानते हैं कि म्यूज़िक का प्रैक्टिस किस तरह किया जाता है, तो वो जब अलंकार को याद कर लेते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे ये सब अलंकार हो गया है। लेकिन सही क्या है कि अलंकार याद करने की चीज़ नहीं है। केवल याद तो सबसे पहला स्टेप है, उसके बाद उसकी तैयारी शुरू होती है जो वर्षों वर्षों लग जाता है तैयारी करने में। अगर आप किसी भी अच्छे सिंगर से पूछेंगे कि वो अलंकार की तैयारी कितने दिन में कर लिए थे, तो वो आपको बोलेंगे कि मैं अभी भी नहीं कर पाया हूँ, मैं अभी भी कर ही रहा हूँ। क्योंकि तैयारी का एक तो लिमिटेशन नहीं होता है और दूसरा इतनी तैयारी होनी चाहिए जिससे हम एक हमारी आवाज़ जो है अच्छी तैयार हो जाए, और उसके लिए बहुत समय लगता है। तो इसीलिए ये जो स्टेप बाय स्टेप हम अलंकार की तैयारी करते हैं उसे कैसे करना चाहिए, ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये तीसरा रिकॉर्डिंग है, आप ध्यान से सुने। मैं इसमें सबसे पहले रिदम डाल रहा हूँ और वो है 200 BPM से, ठीक है। और ये जो अलंकार का सीरीज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये स्पेशली बच्चों और महिलाओं के स्केल में है। सीखने के लिए कोई भी सीख सकते हैं और इसी तरह से प्रैक्टिस आप किसी भी स्केल पर कर सकते हैं, ठीक है। और प्रारंभ करने से पहले एक बार मैं आपको ज़रूर ये बोलूँगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, और अगर अच्छा लगता है आपको तो कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताया करें, ठीक है। आपके कमेंट्स से हमें बहुत उत्साह मिलता है काम करने का और उसी के बल पर हम काम करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उसमें रिदम डालने जा रहा हूँ। सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे। सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा
रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा
अब जब आप इसे 200 टेम्पो पे 200 बीपीएम पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपकी आवाज चलने लग जाती है, तो फिर आप इसका प्रैक्टिस सिंगल और डबल में भी कर सकते हैं। सिंगल डबल का मतलब एक गुण और दो गुण में। तो सबसे पहले इसके हाफ में हम करेंगे, जैसे देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये हुआ सिंगल एक गुण। तो एक गुण में करेंगे और फिर उसको दो गुण में करेंगे। तो इसे चार बार, जैसे सिंगल में कर लिए एक गुण में, फिर चार बार दो गुण में कर लिए, तो ये बार बार जो है एक गुण दो गुण, एक गुण दो गुण को प्रैक्टिस करते जाएंगे इस तरह से। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, आ आ आ आ आ आ आ तरह से
अलंकार को जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रारंभ में जब हम उसे सीखते हैं तो बहुत ही स्लो स्पीड में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमें उसे तैयार करना होता है। अलंकार सीखने का मतलब, जब हम संगीत सीखना शुरू करते हैं तो मेनली आवाज़ की तैयारी के लिए सीखते हैं। तो जो अलंकार हम सीखते हैं वो केवल याद करके अलंकार जानना नहीं है, बल्कि अलंकार को जानकर उसे तैयार करना है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम तैयार करेंगे। जैसे अभी हम लोग सबसे पहले 75 BPM पर प्रैक्टिस किए थे और उसके बाद 125 पर तैयार किए थे और अब ये 200 पर हम लोग किए हैं इसे। और इसमें एक टेक्निक आप समझ गए, एक गुण और दो गुण में सरगम से भी और आकार से भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसका आप प्रैक्टिस करें। और हाँ, आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताया करें कि जो तैयारी आप पहले कर रहे थे, पहले अलंकार का जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे, उसकी तैयारी उस स्पीड पे पहुंची या नहीं। ये भी मैं आपको निश्चित रूप से बता दूं कि अगर पहली तैयारी जिस स्पीड में, मान लीजिए 75 में हम कर रहे थे, अगर उसमें आप नहीं कर पा रहे हैं तो 125 पे करने का कोई तुक नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो पहले एक स्पीड को आप निश्चित रूप से पहुंचा लें, अपनी आवाज को तैयार कर लें उतना, उसके बाद जो दूसरा स्पीड है उसे आप करें। अब रिकॉर्ड करके मैं जब डाल रहा हूं तो ये कहीं नहीं जा रहा है, आपके लिए रखा हुआ है YouTube पर, तो ये कहीं नहीं जाता। आप बारी बारी से करें, लेकिन ये नहीं कि टास्क आ रहा है तो चलो एक ही बार में, उसको गलत भी हो रहा है तब भी उसे स्पीड में करने की कोशिश कर रहे हैं, सो नहीं करना है। ठीक है, और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, उसमें क्या क्या आपको समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर मान लीजिए मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ और समझाने से या कोई और टेक्निक बताने से आप अधिक समझ पाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा आपको अलग तरीके से भी समझाने का। ठीक है, तो आप इसे तैयार करें। और एक बार फिर से बताऊंगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन दबा लें ताकि आपको अपलोड जो होता है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और एक विशेष काम ज़रूर से ज़रूर करें, बहुत ही पुण्य का काम होगा कि आप अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें। जो भी संगीत से जुड़े हुए हैं या जो भी संगीत करना चाहते हैं, इवन जो संगीत नहीं करते हैं उन्हें भी आप भेज करके बोल सकते हैं कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस तरह से उसे आप सीख सकते हैं घर बैठे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आप घर बैठे इसे सीख सकते हैं। कम से कम प्राइमरी नॉलेज जो है म्यूज़िक का, वो तो निश्चित रूप से आपको घर में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से शेयर किया करें। चलिए फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।